In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, my dear friends, how are you doing today? Fine. Absolutely fantastic. Thank you very much indeed. God bless you all. And let's start today's lecture. Aaj ka lecture jo hai, is all about passive voice. Passive voice ka second lecture hai. In the first lecture, we came to know about the uses of passive voice or pair transitive or intransitive verbs ke baare mein. और उसकी स्ट्रक्चरल वैल्यू के बारे में, हाउ यू हैव टू स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस इन जनरल. और फिर उसको और इंपॉर्टेंट लेक्चर के बाद, आज का जो लेक्चर पैसिव वॉइस के हवाले से है, इट्स ऑल अबाउट द नाइन स्ट्रक्चर्स और इट्स सेंटेंसेस, उसके साथ जो बनाएंगे उससे जुड़े हुए स्ट्रक्चर से, और उसके साथ साथ उसकी ट्रांसलेशन को समझेंगे कि किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है. और फिर एक और दो इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कस करेंगे कि पैसिव वॉइस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की वैल्यू क्या है, या उसे हम सेंटेंसेस उसके साथ बना सकते हैं या नहीं बना सकते, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है कि रेयरली यूज होता है, और उसका अल्टरनेटिव क्या होता है आपके पास अगर आप यूज नहीं करना चाहते. और डिवाइडेड ओपिनियन है ग्रामर इंस्ट्रक्टर्स की और राइटिंग एक्सपर्ट्स की, तो उसको हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. अभी हम जो है क्या करने जा रहे हैं, वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स. सो इट्स अ बैक टू बेसिक लेक्चर नंबर 27, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव स्ट्रक्चर्स विद सेंटेंसेस इन ट्रांसलेशन. ये लेक्चर है आज का हमारा, और इसके ये की वर्ड्स हैं. आइए जरा देखते हैं, इसको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है. पहले इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स, और उसके सेंटेंसेस और ट्रांसलेशन है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और उसके बाद फिर हमने कॉन्टिन्यूस के रखे हैं जी. कॉन्टिन्यूस के पैसिव हैं प्रेजेंट पास्ट एंड देन फ्यूचर, और उसके बाद फिर हमने परफेक्ट के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर रखा है, और फिर आखिर में हमने कुछ आपको प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी दिए हैं जिनको हमने आज नाइन सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करना है. स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे, और इस तरह से हम क्लास एक्टिविटीज बनाएंगे. लेकिन पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं. आप देखिए, आप बेसिकली जानते हैं जो बेसिक फॉर्मूला क्या है जी सर आपके पैसिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट है, टू बी है, और फिर थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है. और अगर आप उसके बाद आप बाय भी लगाना चाहते हैं, सब्जेक्ट को बाहर आखिर में लाना चाहते हैं, तो फिर प्रेपोजिशन बाय और उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. इनफैक्ट ये स्वैप कर देता है एक्टिव और पैसिव की आखिरी अलामत क्या है, ये क्या इनके अंदर डिफरेंस है, जो एक्टिव के स्ट्रक्चर को स्वैप कर देती हैं. आप स्वैप करती हैं या ऑर्डर चेंज कर देती हैं, मींस कि जहां सब्जेक्ट होता है वहां आप ऑब्जेक्ट ले आते हैं, और जहां ऑब्जेक्ट होता है वहां आप सब्जेक्ट ले आते हैं, ये स्वैप करती हैं. तो आपका जो है वो, किसी एक स्टूडेंट से पूछा मैंने, कहा यार एक्टिव पैसिव बता सकते हो, उसने कहा सर मैं आपको एक गाने की सुरत में बताता हूं. मैंने कहा बताओ यार मुझे कितना अच्छा लगेगा. कहने लगा सर ये गाना सुना होगा आपने कि तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, और इसका ये एक्टिव है पैसिव इसका है, मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन. मैंने कहा यार ये तो तुमने अजीब मजाक किया है. कहने देख ले सर स्वैप हुआ है कि नहीं हुआ, और ऑर्डर चेंज हुआ है कि हुआ. तो ये इनफैक्ट इट वाज अ सॉन्ग, ये तो एक जस्ट एक लाइट सी एग्जांपल थी आपके लिए, अदरवाइज आप जानते हैं कि मैं बात क्या कर रहा हूं आपसे. आइए जरा हम स्ट्रक्चर्स को इसके वन बाय वन देखते हैं, और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दे इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल इंडेफिनिट के पैसिव देखिएगा जरा प्लीज. इंडेफिनिट में वही पहले सब ऑब्जेक्ट है, पहले तीनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, और फ्यूचर इंडेफिनिट में आप देखिएगा ऑब्जेक्ट पहले है. और फिर आपको यह पता है कि जो पैसिव वॉइस में जो वर्ब की फॉर्म है वो हमेशा फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करती हैं आप. लिहाजा ये देखिएगा ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म. दरमियान में आपका जो ऑक्सिलरी बी है वो कॉन्जुगेट हो रहा है, वो चेंज हो रहा है. प्रेजेंट में इज ए मार्क है, पास्ट में
आप वॉज वर इस्तेमाल करती हैं और फ्यूचर में विल बी का इस्तेमाल करेंगे. लिहाजा ये फिर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इज एम आर थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट वॉज वर थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट विल बी थर्ड फॉर्म. अब देखिए जरा इस ऑब्जेक्ट इज एम आर थर्ड फॉर्म को देखते हैं. ऑब्जेक्ट अ स्टोरी इज थर्ड फॉर्म रिटन. अ स्टोरी इज रिटन, एक कहानी लिखी जाती है. उर्दू में आप जानती हैं ट्रांसलेशन क्या होती है, हमने एक्टिव के स्ट्रक्चर्स में आपको उर्दू की अलामात भी बताई थी, लिहाजा ये वही अलामात हैं चलेंगी जो पैसिव में भी, लेकिन इसकी सेंस या एक्टिव से पैसिव में चली जाएगी. अ स्टोरी इज रिटन, एक कहानी लिखी जाती है. और फिर इसके बाद देख लीजिए, जैसे ऑब्जेक्ट था वो स्टोरी आ गया, इस दमार में से इज लगाया स्टोरी के साथ, और रिटन जो है वो आपके थर्ड फॉर्म है. अ स्टोरी इज रिटन, एक कहानी लिखी जाती है. और पैसिव सॉरी, और जो पास्ट में चले जाएं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट वॉज वर थर्ड फॉर्म, और इसको फिर किस तरह सेंटेंस बनाएंगे, अ स्टोरी वॉज रिटन, अ स्टोरी वही ऑब्जेक्ट है और रिटन वही थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. और दरमियान में आपने जहां इज था यहां पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में आपने वॉज का इस्तेमाल किया है, एक कहानी लिखी गई. और फ्यूचर में देखिएगा, अ स्टोरी विल बी रिटन, अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है और विल बी है और फिर थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट विल बी थर्ड फॉर्म, तो फिर क्या बनेगा, अ स्टोरी विल बी रिटन, एक कहानी लिखी जाएगी. वही है, अ स्टोरी वही है और रिटन भी वही है, दरमियान में आपने विल बी को चेंज किया तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया पैसिव का, अ स्टोरी विल बी रिटन, एक कहानी लिखी जाएगी. जी उसके बाद फिर आप कॉन्टिन्यूस टेंसेस देखिएगा जरा. कॉन्टिन्यूस टेंसेस को प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहती हैं. ये कॉन्टिन्यूस कैपेसिव है या यानी कि प्रोग्रेसिव कैपेसिव है. और उसके स्ट्रक्चर को भी देखिएगा, आप सिमिलरिटी महसूस करेंगे, वही है, ऑब्जेक्ट इज हमारा थर्ड फॉर्म ही है, लेकिन यहां सिर्फ बीइंग का इस्तेमाल इजाफी है. तो देखिएगा, तो फिर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट इज बीइंग, एम बीइंग और बीइंग थर्ड फॉर्म. वो यहां तो था ना हमारे पास इंडेफिनिट में ऑब्जेक्ट इज हमारा थर्ड फॉर्म, यहां बीइंग का इस्तेमाल इजाफी इनके साथ सिर्फ है, ऑब्जेक्ट इज बीइंग, एम बीइंग और बीइंग थर्ड फॉर्म. और इसका सेंटेंस बने कुछ इस तरह से, अ स्टोरी इज बीइंग रिटन, एक कहानी लिखी जा रही है. वहां तो था अ स्टोरी इज रिटन, एक कहानी लिखी जाती है, यहां बीइंग का इस्तेमाल इजाफी हुआ तो ये कॉन्टिन्यूस बन गया, एक कहानी लिखी जा रही है. उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट जो था पैसिव का, उसके साथ सिमिलर है, वहां था ऑब्जेक्ट वॉज वर थर्ड फॉर्म और यहां है ऑब्जेक्ट वॉज बीइंग वर बीइंग थर्ड फॉर्म. बीइंग का इस्तेमाल आपका जो है वो दोनों के साथ करना होगा आपको. तो यहां ये फिर इस तरह से आपका पैसिव वाइज कॉन्टिन्यूस में पास्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा. अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन, वो था अ स्टोरी वॉज रिटन, एक कहानी लिखी गई, यहां होगा अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन, एक कहानी लिखी जा रही थी. और इसी तरह से फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, जो कि ऑप्शनल है, जो कि कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि बहुत ही रेयरली इस्तेमाल होता है, लेकिन पॉसिबल है, गलत नहीं है, ये इस्तेमाल हो सकता है. इसको क्या करेंगे, इसमें असल में डिफरेंस ये है कि विल बी बीइंग का इस्तेमाल हुआ, बी बीइंग का इस्तेमाल हुआ, बहुत रेयर कंस्ट्रक्शन होती है इसकी, लेकिन ग्रामेटिकली इज करेक्ट. सम जो ग्रामर टीचर्स हैं दे रिकमेंड नॉट टू यूज इट, वो कहते हैं पास्ट सॉरी फ्यूचर सिंपल ही यूज किया जा सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप, फ्यूचर स्टोरी विल बी रिटन यही कर सकते हैं आप. तो यहां कॉन्टिन्यूटी की जब बात कर रहे हो तो फिर बीइंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, लिहाजा इट्स नॉट रॉन्ग ग्रामेटिकली, इट्स नॉट अ ग्रामेटिकल कैटास्ट्रॉफी, गलती नहीं है, लेकिन आप इसको बहुत रेयरली इस्तेमाल करते हैं. इसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और ले लीजिए, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज नॉट यूज्ड विद अ पैसिव वॉइस, ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता पैसिव वॉइस के साथ. ग्रामेटिकल चूंकि ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन के साथ इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता, बिकॉज द वे वी कॉन्जुगेट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जो हम जिस तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को कॉन्जुगेट करती हैं टेंस को, डजंट मेक लॉजिकल सेंस, इससे लॉजिकल सेंस ही बनती विद पैसिव वॉइस. ये एक मुख्तलिफ जो इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग्स है उसको हमने शेयर किया है, मतलब ज्यादा सेंस नहीं बनाती, लॉजिकल सेंस नहीं बनती इस कंस्ट्रक्शन की पैसिव वॉइस में, लेकिन इफ यू वॉन्ट टू मेक अ सेंटेंस नोबडी कैन स्टॉप यू, आपको रोक नहीं सकता, ये ऑप्शनल है.
इस लिहाज इस बारे से परेशान नहीं होना आपने। तो हमने इसको लिख दिया है क्योंकि ये समटाइम्स यू नीड टू यूज इट। अ स्टोरी विल बी बीइंग रिटन, एक कहानी लिखी जा रही होगी। लुक्स सिमेंटिकली इनएप्रोप्रिएट, सिमेंटिकली लगता है थोड़ा इनएप्रोप्रिएट है, सिमेंटिकल मानवीय एतबार से, लेकिन इट्स फाइन। सेंटेंस आपके पास ऑप्शन मौजूद है, इसलिए मैंने ऑप्शनल लिखा है। यू वॉन्ट टू यूज इट, वेलकम। यू डोंट वॉन्ट टू यूज इट, नो प्रॉब्लम। उसकी जगह पर आपके पास मुतबादल यही होगा कि आप फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट को इस्तेमाल कर लें। इसके बाद चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट के हवाले से। तीन सेंटेंसेस होंगे, तो परफेक्ट इंस्ट्रक्शन होगी, आपको पता है ऑब्जेक्ट वही आएगा, थर्ड फॉर्म वही होगी, दरमियान में हैज बीन हैव बीन इस्तेमाल होगा, लिहाजा प्रेजेंट में हैज बीन हैव बीन इस्तेमाल होगा, पास में हैड बीन इस्तेमाल होगा और फ्यूचर में विल हैव बीन इस्तेमाल होगा। सो ये सेंटेंस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट हैज बीन हैव बीन थर्ड फॉर्म और अ स्टोरी हैज बीन रिटन, एक कहानी लिखी जा चुकी है और इसका ट्रांसलेशन इस तरह होगी। और फिर पास्ट परफेक्ट में अ स्टोरी हैड बीन रिटन, एक कहानी लिखी जा चुकी थी और अ स्टोरी विल हैव बीन रिटन, एक कहानी लिखी जा चुकी होगी। ये हमारे पास परफेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं। आइए जरा इनको अंडरस्टैंड करते हैं और हम दोबारा से सारे इकट्ठे बोलेंगे, अ स्टोरी इज रिटन, एक कहानी लिखी जाती है। अ स्टोरी वॉज रिटन, एक कहानी लिखी गई। अ स्टोरी विल बी रिटन, एक कहानी लिखी जाएगी। अ स्टोरी इज बीइंग रिटन, एक कहानी लिखी जा रही है। अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन, लिखी जा रही थी। अ स्टोरी विल बी बीइंग रिटन, एक कहानी लिखी जा रही होगी। अ स्टोरी हैज बीन, एक कहानी लिखी जा चुकी है। अ स्टोरी हैड बीन रिटन, एक कहानी लिखी जा चुकी थी। अ स्टोरी विल हैव बीन रिटन, एक कहानी लिखी जा चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा साथ दिया सेंटेंसेस को पढ़ने में। अभी क्या होगा, मैं आपको खुद से बताऊंगा कैसे सेंटेंसेस बोलने हैं, आप जरा मुझे बोल के दिखाइएगा। हम बाद में आपसे पहले स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करवाएंगे और उसके बाद फिर सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बोल के दिखाऊंगा कि कैसे आपने 9 सेंटेंसेस को बोलना है, आपने किस तरह से 9 सेंटेंसेस को बोलना है। आई विल लेट यू नो राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोरी इज रिटन, एक कहानी लिखी जाती है। अ स्टोरी वॉज रिटन, एक कहानी लिखी गई। अ स्टोरी विल बी रिटन, एक कहानी लिखी जाएगी। अ स्टोरी इज बीइंग रिटन, एक कहानी लिखी जा रही है। अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन, एक कहानी लिखी जा रही थी। अ स्टोरी विल बी बीइंग रिटन, एक कहानी लिखी जा रही होगी। अ स्टोरी हैज बीन रिटन, एक कहानी लिखी जा चुकी है। अ स्टोरी हैड बीन रिटन, एक कहानी लिखी जा चुकी थी। अ स्टोरी विल हैव बीन रिटन, एक कहानी लिखी जा चुकी होगी। क्लैपिंग ही कर दे मेरे लिए। अच्छा, क्लैपिंग में भी बुखल का जो है वो आप का सामना है आपको। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह मुबारक करे आपकी इस क्लैपिंग को भी और आपको सीखने की सही तौफीक अता फरमाए। चलो वापस चलते हैं जी, हमारे पास ये तो हुए सेंटेंसेस, मैंने आपके सामने बोले, अभी आप भी प्रैक्टिस करेंगे इनकी इंशाल्लाह तआला इसी तरह से। लेकिन पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं आपसे स्ट्रक्चर सुनूंगा, फिर हम सेंटेंसेस कुछ लिखें इजाफी आपके लिए, प्रैक्टिस करिए, उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो इजाफी जो स्ट्रक्चर्स क्या हैं, और हम इकट्ठे बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इज एम आर थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विल बी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट वॉज बीइंग, वर बीइंग थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट विल बी बीइंग थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हैज बीन हैव बीन, ऑब्जेक्ट हैड बीन थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट विल हैव बीन थर्ड फॉर्म। शाबाश, ऑलराइट, थैंक यू। अब आप बताइए कौन से सेंटेंसेस, कौन है जो आप में से सारे स्ट्रक्चर्स को सुनाएगा मुझे, प्लीज अभी राइट नाउ, प्लीज सारे स्ट्रक्चर्स को बगैर भूले कॉन्टिन्यूटी के साथ। जी एक्सक्यूज मी, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बोलना चाहेंगी, आप बताएंगी, फिर जब यहां बताएंगी तो फिर आपको साथ साथ चॉकलेट भी मिलती जाएगी। जी प्लीज, एक्सक्यूज मी, जी प्लीज,
Object is a my third form object, first word third form object will be third form object, is being are being am being third form object, was being verb being third form object, will be being third form object, have been third form object, had been third form object, will have been third form. Excellent! Clapping! Excellent, Miss Sinar, you have done the job! और ये चॉकलेट भी है यहाँ, आपको पता चलनी चाहिए. मैं नजदीक से दिखा रहा हूँ ताकि बड़ी बड़ी नजर आए आपको. और राइट, थैंक यू जी. प्लीज हेलो. ऑब्जेक्ट इज अमर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, वाज वर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, विल बी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इज बिंग आर बिंग एम बिंग थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, वाज बिंग वर बिंग थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, विल हैव बिंग थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. गलत हो गया है. ऑब्जेक्ट इज अ मार थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, वाज वर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, विल बी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, एक्ट विल बी है. गलत हो गया जी. मैं तो चाहता हूँ कि आप गलत हो ताकि आपको कम से कम चॉकलेट्स देनी पड़ेगी आपको. जी प्लीज चलो. ऑब्जेक्ट इज अमर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, वाज वर ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, विल बी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इज बिंग एम बिंग आर बिंग थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, विल हैव बीन. नो, गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई है. आते हैं आप लोगों को लेकिन गड़बड़ की यार आप. जी सर, ऑब्जेक्ट इज अमर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, वाज वर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, विल बी थर्ड फॉर्म. उसके बाद है ऑब्जेक्ट इज एम आर इज बीइंग थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, एम बीइंग थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, आर बीइंग थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, वाज बीइंग थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, वर बीइंग थर्ड फॉर्म. उसके बाद ऑब्जेक्ट विल बीइंग थर्ड फॉर्म, विल बी बीइंग थर्ड फॉर्म. मुझे तो एक गलती चाहिए ताकि मेरी चॉकलेट बच जाए. यस प्लीज हेलो. Object is a my third form. Object was my third form. Object will be third form. Object is being, are being, am being, are being, am being third form. Object was being, were being third form. Object will be being third form. Object have been, has been third form. Object had been third form. Object will have been third form. Oh my God! एक चॉकलेट का और जो है वो हमें फायदा हो गया. सर नुकसान नहीं, फायदा हो गया. जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे हमें उसका फायदा होगा. ग्रेट, क्लैपिंग प्लीज. ब्रिंग दोस चॉकलेट्स एंड पुट इन माय पॉकेट प्लीज. ऑलराइट जी प्लीज हेलो. भावेश, आर यू रेडी? यस सर. यस प्लीज. ऑब्जेक्ट इसे निकाल के जी. ऑब्जेक्ट इज एन आर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, वॉज वर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, विल बी थर्ड फॉर्म. उसके बाद कंटिन्यूस सब्जेक्ट. सब्जेक्ट गलत हो गया, सब्जेक्ट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है. जी प्लीज. ऑब्जेक्ट इज आर एम थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, वॉज वर थर्ड फॉर्म. Yes, Miss Aisha, please, again. Object is R M third form. Object was were third form. Object will be third form. Object is being R being is being R being am being third form. Object was being were being third form. Object will be third form. Object will be being third form. यहाँ गलती हो गई जी. Object is M R third form. Object was were third form. Object will be third form. Object is being am being R being third form object, was being verb being third form object, will be being third form object, has been third form object, had been third form object, object will have been third form. Excellent, shabash, clapping. Thank you sir. Chocolate for you please. Very nice. Yes please guys. Hari bari aapki guys. Object is a mar third form object, was verb third form object, will be third form object, is being am being are being third form object, was being verb being third form object, will be being third form object, has been third form object, had been third form object, will have been third form. ऊपर से देख के बता रहे हो आप? नहीं, चलिए दोबारा मुझे सब ऐसे बताओ. Object is a mar third form object, was being Object is a mar third form object, was verb third form object. Thank you very much. Ji mashallah, mashallah. Ji. Object is a mar third form object, was verb third form object, will be third form object, is being am being are being third form object, was being verb being third form object, will be being third form object,
Object has been, have been, third form object, had been, third form object, have, will have been, third form. Excellent! MashaAllah! The chocolate for you, please. Excellent, yes. Object is a RAM third form. मुझे खुशी बड़ी होती है जब मैं आप चॉकलेट देता हूँ, थोड़ा सा दिल का उमंग भी होता है. Object is a RAM being third form. दोबारा से बताइएगा, please. अपनी form ऐसी बताए जा रहे हैं. 1, 2, 3, go. Object is a RAM third form. Object was were third form. Object will be third form. Object is a RAM being third form. Object was were being third form. Object will being third form. Object will be being third form. Will being third form. Object have been third form. Object had been third form. Object will have been third form. Excellent, MashaAllah. मुझे लगता है सारी चॉकलेट साथ खत्म हो जाएंगी यार. Excellent, शाबाश. क्लैपिंग नहीं की आपने इनके लिए, शकील भाई के लिए. जी हेलो. सब्जेक्ट इज एम आर, शाबाश. सब्जेक्ट से शुरू किया इन्होंने, माशाल्लाह. ऑब्जेक्ट इज एम आर थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट वाज वर थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट विल बी थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट वाज बी इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट वाज बीइंग वर बीइंग थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट विल बी बीइंग थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट हैज बीन हैव बीन थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट object has been, have been third form. object had been third form. object will have been third. शाबाश, clapping कर दीजिए इनके लिए भी जी. माशाल्लाह, boys के लिए जी. very nice, yes sir. हारिस भाई, कोशिश करें, शाबाश. object is a third form. object will have third form. was were third form. object will have third form. नहीं, will have नहीं है, will be third form. आप जरा गौर से सुने please, देखिए कैसे बच्चे बोल रहे हैं. जी please. Object is a mar third form. Object was were third form. Object will be third form. Object is a mar being third form. Object was were being third form. Object will be being third form. Object was were object has had been third form. Object had been नहीं इकट्ठे बना दी, has been, have been, had been इकट्ठा बना दिए. दोबारा बोलो, परफेक्ट को बना दोबारा से. परफेक्ट. Object has been, have been third form. Object had been third form. Object will have been third form. MashaAllah ji, MashaAllah. मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको चॉकलेट देते हुए. बड़ी खुशी हो रही है. ओह सॉरी. Object is MR third form. Object was were third form. Object will be third form. Object is MR being third form. Object was were being third form. Object will be being third form. Object has been, have been third form. Object had been third form. Object will be being third form. Will be being third form. Will have been third form. बस गलत हो गया ना जी, गलत हो गया भाई जान. ये देखिए दोबारा से ऑब्जेक्ट एक्सक्यूज मी सुने. ऑब्जेक्ट इज आर एम थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट वाज वर थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट विल बी थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट इज आर एम बीइंग थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट वाज बीइंग वर बीइंग थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट विल बी बीइंग थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट हैज बीन ऑब्जेक्ट हैड have been object had है? सर जी has been है. have been हां ओ प्लस थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट प्लस had been है. ऑब्जेक्ट प्लस है भी had been हां प्लस थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट प्लस will have been थर्ड फॉर्म. will have been थर्ड फॉर्म. अच्छा जनाब, तो ये अब ऐसा है कि जहां थोड़ी ही सी आप दोनों गलती हुई है, दोनों भाई बांट के, ये मेरे पास लास्ट चॉकलेट है, इसको आप लेंगे जनाब. इट्स फॉर यू बोथ ऑफ यू गाइस. थैंक यू एवरीबॉडी. वेरी नाइस गाइस. चॉकलेट्स, नो मोर चॉकलेट्स इन माय पॉकेट नाउ. आई एम गोना ईट. नो थैंक यू वेरी मच इंडीड. और ये तो हुए आपके स्ट्रक्चर्स. आइए जरा इनकी प्रैक्टिस करते हैं. बस कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी हैं, उनको जरा देख लेते हैं जी. अ बुक इज बॉट, एक किताब खरीदी जाती है. अ सॉल्यूशन इज गिवन, एक हल दिया जाता है. अ हाउस इज बिल्ट, एक घर तामीर किया जाता है. चाइनीज फूड इज ईटन, चाइनीज फूड खाया जाता है. आई एम एडवाइज्ड, मुझे नसीहत की जाती है. आई एम हेल्प्ड, मेरी मदद की जाती है. आई एम इनकरेज्ड, मेरी हौसला अफजाई की जाती है. आई एम सर्व्ड, मेरी खिदमत की जाती है. ईमेल्स आर सेंट, ईमेल्स भेजी जाती हैं. मोबाइल्स आर स्टोलन, मोबाइल्स चोरी किए जाती हैं. पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड, वालदेन की इज्जत की जाती है. एंड साइंस एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड, और एक साइंस के तजर्बे कंडक्ट किए जाते हैं. और राइट, ये हमारे पास सेंटेंसेस हैं 4,
and then four, and then four. There are 12 sentences. मैं एक sentence का आपको बता दूंगा अभी कि आप जो है वो किस तरह से इसको बनाएंगे sentences को, और फिर बाकी sentences आप जो है वो जैसे आपको पता है last time आपने किया था वो था कि आपने इसको हमारे YouTube के comment section में एक एक sentence allocate करूंगा और 9 sentences सिर्फ बनाने हैं आपने उसके. So sentence हमारा कौन सा है जी? A book is bought. ये सुन लीजिए, a book is bought. एक किताब खरीदी जाती है. A book was bought. एक किताब खरीदी गई. A book will be bought. एक किताब खरीदी जाएगी. A book is being bought. एक किताब खरीदी जा रही है. A book was being bought. एक किताब खरीदी जा रही थी. A book will be being bought. एक किताब खरीदी जा रही होगी. A book has been bought. एक किताब खरीदी जा चुकी है. A book had been bought. एक किताब खरीदी जा चुकी थी. और book will have been bought. एक किताब खरीदी जा चुकी होगी. इस तरह से आप जो है सेंटेंसेस बनाएंगे. आपने आपका सेंटेंस नंबर है जी 1. A book is bought. एक किताब खरीदी जाती है. ये आपका सेंटेंस है. इसके 9 बनाएंगे. और आपने क्या करना है, एक ही सेक्शन में नहीं लिखने हैं आपने सारे. हर एक सेंटेंस एक लिखेंगे सेंटेंस, उसको पोस्ट करेंगे, फिर अगला सेंटेंस लिखेंगे दूसरा. मतलब आपने 9 कमेंट्स की सूरत में 9 सेंटेंसेस बनाने हैं आपने सब लोगों ने इसी तरह से. नेक्स्ट सेंटेंस आपका जी सॉल्यूशन इज गिवन. एक हल दिया जाता है. आपका सेंटेंस है जी हाउस इज बिल्ट. एक घर तामीर किया जाता है. आपका सेंटेंस है चाइनीज फूड इज ईटन. चाइनीज फूड खाया जाता है. और आई एम एडवाइज. मुझे नसीहत की जाती है. आपका सेंटेंस है जी आई एम हेल्प्ड. मेरी मदद की जाती है. नेक्स्ट है जी आई एम इनकरेज्ड. मेरी हौसला अफजाई की जाती है. आपका है आई एम सर्व्ड. मेरी खिदमत की जाती है. ईमेल्स आर सेंट. ईमेल्स भेजी जाती हैं. और मोबाइल्स आर स्टोलन. मोबाइल चोरी किए जाते हैं मोबाइल्स. और पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड. वालदेन की इज्जत की जाती है. और आपका सेंटेंस है जी साइंस एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड. साइंस के तजुर्बात को कंडक्ट किया जाता है. ये आपका है राइट. उस तरह फिर से पहला आ जाएगा हारिस भाई. आपका पहला सेंटेंस जी आपका सेंटेंस होगा अ बुक इज बॉट. एक किताब खरीदी जाती है. आपका सेंटेंस है जी अ सॉल्यूशन इज गिवन. एक हल दिया जाता है. आपका सेंटेंस है अ हाउस इज बिल्ट. एक घर तामीर किया जाता है आपका. और आपका सेंटेंस है बेटा चाइनीज फूड इज ईटन. चाइनीज फूड खाया जाता है. और आपका है जी आई एम एडवाइज. मुझे नसीहत की जाती है. और आई एम हेल्प्ड. मेरी मदद की जाती है. राइट कंप्लीट हो गया जी. ये सेंटेंसेस आपने घर से लिखने हैं और इसको सेंड करना है आपने जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर के प्लेटफॉर्म पर. यूट्यूब चैनल जो है हमारा है उसमें जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके कॉमेंट सेक्शन में लिखेंगे. और इस तरह से वील बी एबल टू जस्ट सी कि आपने इन सेंटेंसेस को लिखा है अप्रोप्रिएटली. ऑलराइट विल यू डू इट. और साथ ही आपने जो है पूरी वीडियो को साथ आपने देखना भी है दोबारा से. आपने परफॉर्मेंस देखें किस तरह बोला है आपने, क्या गलतियां हो सकती हैं आपकी, क्या गलतियां की हैं जिस तरह से आपको चॉकलेट नहीं मिली. और इस तरह से आपने नेक्स्ट टाइम कोशिश करना है ज़्यादा जो है वो एक्यूरेसी के साथ बताएं. और इंशाल्लाह वी विल कीप ऑन ऑफरिंग यू चॉकलेट्स इन द फ्यूचर एज वेल. ऑलराइट. और इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा और फिर उसको आप यू नो यू कैन शेयर इट विद योर विद योर फ्रेंड्स एज वेल. आई विल सी योर कमेंट्स. थैंक यू वेरी मच इंडीड. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. वाज इट इंटरेस्टिंग लेक्चर टुडे? थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर एंड सी यू टुमारो. And bye-bye and Allah Hafiz.